नीत बिट्टू जिहड़े भारत सरकार च राज मंत्री है उन्होंने एक बयान दिता जिन्हों मैं लगता जिहड़ा बहुत ही बेबुनियाद ते झूठा बयान है और पंजाब नूं बदनाम करन वाला बयान है और अपनी जिम्मेवारी तो भज्जण वाला बयान और उन्हां दा बयान ही कॉन्ट्राडिक्ट करदा अपने आप नूं। बिट्टू जी कह रहे हैं जी 44,000 करोड़ की स्पेशल लिमिट सी भेजी, बिल्कुल ठीक है। जदों कैश क्रेडिट लिमिट यानी कि झोना खरीदने वास्ते पैसा सेंटर ने भेजा है तो झोना खरीदने तो बाद झोना अमानत की हुई सेंटर की हुई, बड़ी सुभाविक जी गल है। सेंटर का जिहड़ा खरीदया होया झोना असी तो केयर टेकर है भी तुसी अपना झोना चक लो, जिन्ना चिर नहीं चक्या जाता असी उहदी जिहड़ी है राखी कर रहे हैं। लेकिन इस सारे एपीसोड च जिहदे च बीजेपी लगातार पंजाब नाल विचकरा कर रही है एक मुहावरा आ वह बड़ा सटीक बैठदा कि उल्टा चोर कोतवाल को डाटी। चोरी बीजेपी का झोना पिछले साल खरीदया जिहड़ा कि अप्रैल मई तक इन्हां नूं लिफ्ट करना सी, स्पेस खाली करना सी, नवीं फसल आनी सी। सारयां नूं पता कि पंजाब च हर साल तकरीबन 180 लख मैट्रिक टन झोना हुंदा है, पैडी हुंदी, और पिछले साल दी फसल पहली गल ते बीजेपी ने चक्की नहीं ते हुण हर रोज़ बिट्टू जी वर्गे मंत्रियों दे राही पंजाब ते झूठे ब्लेम किए जा रहे। अज वेखो अक्टूबर के महीने च 15 लख मैट्रिक टन एको महीने झोना लिफ्ट हो गया। एक महीने अक्टूबर का मैं तुहानूं डेटा दस रहा, जे एक महीने च 15 लख मैट्रिक टन झोना लिफ्ट किया जा सकता है तो जनवरी तो लैके सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर तक ला लो अक्टूबर का मान लो 15 लख, तो फिर क्यों नहीं 120 लख मैट्रिक टन जिहड़ा सीगा क्यों नहीं जा सकता सी, जा सकता सी, चक्या जा सकता सी, लिफ्ट किया जा सकता सी बीजेपी वालों। लेकिन बीजेपी जान बुझ के, भारतीय जनता पार्टी की मोदी साहब की सरकार जान बुझ के पंजाब तो झोना लिफ्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इन्हों खुंदक है, पंजाब के किसानों नाल इन्हों नफरत है और किते ना किते वो जड़े 3 काले कानून वापस कराए आ किसानों ने उहदा बदला जिहड़ा आ बीजेपी गाहे पगाहे मोदी साहब की सरकार लैंदी। PR 126 जिहदे बारे अज बिट्टू साहब झूठ बोल के गए, आखे जी 3,000 रुपए किलो विकिया, 3,500 रुपए किलो, एवें दा बयान दिता उन्होंने जो मैं पढ़िया मीडिया दे। पहली गल PR 126 पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पास किया, 7 साल पहला पास किया बीज है, 7 साल पहला। और जदों भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई नवा बीज मार्केट च लैके आउंदी है उहदे वास्ते तमाम जिहड़े स्टेक होल्डर उहनां दी कंसेंट लई जांदी है, जिहदे च शैलर मालक भी हुंदे आ, जिहदे च राइस मिलर्स भी हुंदे आ। और PR 126 अज तो 7 साल पहला मार्केट च आया, कभी कोई समस्या नहीं आई, कभी लिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी दाणा टुटण की गल नहीं आई, कभी किसी तरह की। अज हुण कह रहे जी पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा, असी ITI रुड़की खड़गपुर चैक करावांगे। बीजेपी बहाने लभ रही आ पंजाब के लोगों को तंग करने वास्ते, पंजाब के किसानों को तंग करने वास्ते। पंजाब दी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार किया PR 126 ऑथराइज ने सेंटर से 56 रुपए प्रति किलो के हिसाब नाल बी विकिया। बिट्टू साहब झूठ बोल रहे हैं कि 3,500। बिट्टू साहब का बयान सरासर झूठा, बेबुनियाद है। पंजाब पंजाब सरकार के अधीन जिन्हें भी रजिस्टर्ड ऑथराइज डीलर हैं जिन्होंने PR 126 वेचिया और बिल्कुल हाइब्रिड नहीं सी, वो 56 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचा गया है। और पिछले 7 साल तो यह बीज मार्केट च है। इस बीज नू जिहड़ा पास करन दी जिहड़ी कमेटी बनी सी उहदे तमाम स्टेक होल्डर की कंसेंट सी, पिछले 7 सालों च कभी समस्या नहीं आई। और बीज भारत सरकार की यह अमानत है,
असी तो सिर्फ राखी करते हैं, सांभ सफाई करते हैं। भारत सरकार क्योंकि आप बिट्टू साहब ने मनिया कि असी सीसीएल लिमिट भेजी आ 44,000 करोड़, तो फिर मेरा मतलब जो तुम माल खरीद चुकन की जिम्मेवारी की है भाई, चुकन की जिम्मेवारी भी तो भाजपा सरकार की है। लेकिन पिछले 6 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इस बार आ रही है। क्यों? क्योंकि किसानों पंजाब दे नू सबक सिखाना है, हरास करना है, तंग करना है। और त्योहारों के दिनों च किसानों के वेड़ों च रौनक जिहड़ा है बीजेपी सरकार के घर, यह पिछले दे पिछे पूरी साजिश है भाजपा की। और हर रोज तुम देखिया होना पिछले दिन साढ़े शैलर मालकों भी बुला लिया, पहली गल सरकार नाल मीटिंग करन जा रहे हैं बीजेपी के लीडर, पंजाब यूनिट का की काम है, मंत्री सेंटर का सारे का सांझा है करो, लेकिन कोई हल नहीं कढ़िया, उन्हें पोलिटिसाइज बनाया गया, कोई हल नहीं, साढ़े शैलर मालकों निराश करके भेजता। लेकिन मान साहब की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्रॉम द फर्स्ट डे कहा असी अपने किसान भाईचारा हो, राइस मिलर हो, शैलर मालक हो, चाहे आड़ती भाईचारा ठोक बजा के पंजाब सरकार इन्हां दे नाल खड़ी है। और रवनीत बिट्टू जी जिहड़े रेल दे राज मंत्री आ, स्टेट मिनिस्टर है भारत सरकार च, उन्हां दे पूरा बयान बेबुनियाद झूठा है, तत्थां तो परे है, और असी इहनूं कंडेम भी करदे हां। और भारत सरकार नूं कहना चाहुंदे हां अपनी जिम्मेवारी तो ना भज्जो, जिहड़ा पिछले साल का खरीदिया झोना तुहाडा पैड़ी चौल वो लिफ्ट करन दा भारत सरकार की ड्यूटी है, और नवी फसल जिहड़ा मंडिया च आ गई है इहनूं खरीदण दी भी उहनां दी ड्यूटी, इहनां नूं रख के अपने गोदामां संभालना यह भारत सरकार की जिम्मेवारी है। इस करके इस तरह के बहानेबाजी करके पंजाब के PAU वर्गे अहम अदारे नूं एलीगेट करके या झूठे उन्हां ते आरोप ला के आखे जी 3500 रुपए किलो, बिल्कुल बेबुनियाद झूठा एलीगेशन है। 56 रुपए किलो भी जिहड़ा PR 126 विकिया उहदा भी। अच्छा एक गल होर, अज जो फसल मंडिया च आ गई उदो बिट्टू जी कहिंदे नकली बीज विके है, तो बिट्टू साहब एक लिखाओ, अज तुहानूं पहला, अज तो 4 महीने पहला जदों जून जुलाई च झोना लग रहा सी जून के महीने च, और तो बाद बिट्टू क्यों नहीं याद आई भी आ बीज नकली विकया जा रहा, 3500 रुपए किलो विक रहा, क्यों नहीं कंप्लेन की बिट्टू साहब ने? बिट्टू साहब लुधियाने तो लीडर हैं, बेशक इलेक्शन हार गए लेकिन उत्थे MP रह चुके हैं। जून के महीने च जदों झोना लाया जा रहा सी, लोग झोने का बीज खरीद के पनीरियां बीज रहे सी, उदों क्यों नहीं कंप्लेंट कराई बिट्टू साहब ने कि बीज जिहड़ा 3500 रुपए किलो विक रहा है, या कोई स्लिप इहो जी कढ दिण? क्योंकि कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल झूठ है। और हर रोज एक बार नहीं, मैं जिस तरह पहला भी तुहानूं रिपीट कर रहा, कभी कहिंदे जी असी इहदी फलाने IIT तो इहनूं बीज नूं चैक करावांगे, कभी कहिंदे जी इस पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा, कभी कहिंदे जी इहदा दाणा बड़ा टुटदा है, ना 6-7 साल हो गए उदों दा तां टुटिया नहीं। सो ये सारे बहानेबाजी है। भारत सरकार, मोदी साहब की सरकार, भाजपा सरकार अपनी जिम्मेवारी तो भज रही है और पंजाब के किसानों का बदला लै रही है ये।